हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मटन करी बनाने जा रही हूँ। मम्मी बना रही है, देखिए। इसके लिए मैंने प्याज काट चुकी हूँ मैं, और तेज पत्ता चाहिए, अदरक लहसुन जो मैं रखी हूँ पीसना है, ये मिर्च रखी हूँ, इसमें जीरा थोड़ा सा रखी हूँ। इन सबको मुझे पीसना है, इसको मुझे फ्राई करना है। और जिन जिसको मेरे चैनल को जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नए नए वीडियो के लिए। मैं अभी मटन, देखिए मैं अभी मटन को मतलब पकने दी हूँ, 3 सीटी देगा, बंद कर देना है। नमक देखिए डाली हूँ पकने के लिए। देखिए मैंने ऑयल दी थी, उसमें मैं सूखी मिर्च डाली हूँ और प्याज डाल चुकी हूँ। प्याज में थोड़ा सा नमक डालना है, वो भी डाल चुकी हूँ। तो अच्छे से फ्राई करना है। अब देखिए इसमें मैं काली मिर्च नहीं डाली थी, डाल चुकी हूँ अपने हिसाब से। अब इस सबको मैं पीस लूंगी अच्छे से। देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है और थोड़ा ब्राउन करना है। देखिए मैं थोड़ा सा गरम मसाला ली हूँ, उसको भी मैं पीस लूंगी। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल चुके हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है। हल्दी, बॉयल किया हुआ मटन है, थोड़ा सा मैं बॉयल कर देते हैं जिससे कि जल्दी पके। प्याज में थोड़ा सा हल्दी डाला गया था मटन के लिए, हल्दी। हाँ वो मसाला सूखे में मसाला तुम ही तो पीसे छो। जीरा बटाटा है ये। जीरा और काली मिर्च पीसी हुई सुविधा। देखिए सब मिक्स हो चुका है, कितना स्पाइसी दिख रहा है। इसको थोड़ा देर फ्राई करना है। अब देखिए फ्राई हो चुका है। देखिए कितना स्पाइसी लग रहा है। लगभग इसे मैंने 10-15 मिनट तक फ्राई किया है। मेरा मटन फ्राई हो चुका है लगभग, और इसमें मैं पानी डालूंगी। थोड़ा कम पका था, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा पानी चाहिए। और हम लोग इसे राइस के साथ खाने वाले हैं, इसीलिए देखिए ये उबलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये गरम मसाला मैं पीस के रखी थी, अब इसको डालना है। बस
देखिए ये रेडी हो चुका है, बनके तैयार हो चुका है। आप सब भात के साथ हो, रोटी के साथ हो, सबके साथ खा सकते हैं। मेरा वीडियो को पसंद आया है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को मटन का झोल कैसा लगा रेसिपी कमेंट कीजिए, और हम लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग का उत्साह बढ़े और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे खाना बना के आप लोग को दिखा सकें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।